हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मकड़ी के बारे में बताऊंगा। मकड़ियां जाला कैसे लगाती हैं और अपने जाले में क्यों नहीं फंसती। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। अब दोस्तों आपको बताएंगे मकड़ियां जाला किस प्रकार से लगाती हैं। मकड़ियां जाला वेंट्रल पार्ट ऑफ अपर्चर, वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन पर उपस्थित स्पिनिंग ग्लैंड के द्वारा स्पिनरेट्स अपर्चर द्वारा लगाती है। ये स्पिनरेट्स अपर्चर इसके एब्डोमेन पार्ट से बाहर की ओर खुलता है। इसमें से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन युक्त लिक्विड निकलता है, द्रव निकलता है, जो वायु की उपस्थिति में स्टिकी धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि दोस्तों, इसका धागा जो स्पाइडर सिल्क होता है, ये प्रोटीन युक्त होता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड द्वारा बनी होती है, जिसमें ग्लाइसिन और एलानिन होते हैं। एलानिन के स्थान पर ट्रिप्टोफान नहीं पाई जाती। इसकी प्रोटीन जो होती है इसमें स्पिरिडोन फर्स्ट और स्पिरिडोन सेकंड नामक प्रोटीन से बनी होती है। जब स्पिरिडोन फर्स्ट और स्पिरिडोन सेकंड प्रोटीन आपस में एक समूह में एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो इसे स्कैल्रियो प्रोटीन कहते हैं। स्कैल्रियो प्रोटीन दो प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, इसे केराटिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। ये एक प्रकार की इंसॉल्युबल प्रोटीन होती है जो फ्लेक्सिबल थ्रेड की रचना करती है। इससे जो धागा बनता है जिससे अपने पूरे वेब को बुनती है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये इंसॉल्युबल प्रोटीन का बना होता है। ये अपने जाले का निर्माण दोस्तों इसलिए करती है क्योंकि इसमें खास करके एट ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इनके लास्ट पार्ट जो होते हैं, अंतिम छोर जो होते हैं, इनको टार्साई बोलते हैं। इनमें सिंपल आई पाई जाती है। इनके धागे का व्यास, जो धागा सिल्क बनाती हैं, उनका व्यास 100 से 200 नैनोमीटर का होता है। ये आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। क्लासिफिकेशन भी देखिए दोस्तों, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम चिलिसिरेटा, क्लास अरेक्निडा, ऑर्डर अरेक्नी, इंफ्रा ऑर्डर अरेक्नियोमॉर्फी, फैमिली सेटिनिडी, जीनस पेनुटेरिया, स्पीशीज पार्टाई है। अब इसमें देखते हैं कि इसके लास्ट पार्ट जो होते हैं, इसके लेग्स जो होते हैं एट होते हैं इन नंबर, सिंपल आई पाई जाती हैं और लास्ट पार्ट इसके टार्साई कहलाते हैं। तो इसमें इनके पैर के ऊपर जो लेग्स होते हैं, इन पे आयली सस्टेंस होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 162.2 ग्राम पर मोल होता है। केमिकल फार्मूला C10H12O2 होता है और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है, ये एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड फिनोलिक ग्रुप है। इसमें ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, ईथर पाया जाता है और इसके लास्ट पार्ट जो चौथे स्थान पे इस पे कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पे एलाइल ग्रुप पाया जाता है। इसलिए इसका आईपीएसी नाम होता है 4-allyl-2-methoxyphenol। अब दोस्तों बात रहेगी ये तेली पदार्थ जो पाया जाता है इसके पैरों के ऊपर, तो ये इसलिए नहीं चिपकती है क्योंकि जो तेली पदार्थ पाया जाता है तो ये तेली पदार्थ इसको जाले से चिपकने नहीं देता और स्वतंत्रता पूर्वक ये संपूर्ण अपने जाले के ऊपर भ्रमण करती रहती है, विचरण करती रहती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।